संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। हिंदू मुसलमान समेत कई राजनीतिक मुद्दों इस समय देश की राजनीति पर छाए हुए हैं। ऐसे में संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज बैठकों का दौर चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो शाम को लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सत्र को शांति से कैसे चलाया जाए इस पर विचार विमर्श करेंगी। रात्रि में सभी दलों के लिए डिनर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। तो जो मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। बैठकों का दौर लगातार जारी है। मॉनसून सत्र की खास बातें हैं, मॉनसून मोदी सरकार का ये आखिरी मॉनसून सत्र है, तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये सुचारू रूप से चले। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। कश्मीर, आतंकवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश, बैठकों का दौर जारी है, सरकार की पूरी कोशिश है कि सुचारू रूप से ये मॉनसून सत्र चले, लेकिन विपक्ष भी पूरी कमर कसे हुआ है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की कल देर शाम बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर इस बात को राज्यसभा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि वो चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन कई मुद्दे हैं, मसलन विपक्ष के तर्कस में कई तीर हैं जिस पर सरकार को घेरा जाएगा। किसानों की स्थिति, बेरोजगारी के साथ साथ लिंचिंग का मुद्दा विपक्ष के तर्कस में है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है, और आज की जो दो बैठकें हैं, पहली बैठक जहां सरकार की ओर से आयोजित बुलाई गई है और देर शाम लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बैठक आहूत की गई है, इसमें मुख्य रूप से सरकार की जोर यही रहेगा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ताकि कई अहम बिल अटके पड़े हैं उसको इस मॉनसून सत्र में पारित करवाया जा सके। लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं, उससे साफ दिखता है कि ये सत्र भी काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।